नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो सीरीज में इस भाग में हम कवर करने वाले हैं, या इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 10, जो कि आधारित है छत्तीसगढ़ के उद्योग क्षेत्र पर। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले इमेज और सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। इस इमेज को आप पहचानते होंगे, ये आर्थिक सर्वेक्षण के हर चैप्टर के सबसे पहले पृष्ठ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर के पहले ये मुख्य बिंदु वाला पृष्ठ होता है। इस मुख्य बिंदु वाले पृष्ठ में चैप्टर के सारे भागों, सारे उपभागों के महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण जानकारी क्रस के फॉर्म पर यहीं पर दर्शाई जाती है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण का और उसका आपको समरी जानना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बस देखना है, तो सिर्फ इस मुख्य बिंदु वाले पृष्ठ को आप देखकर उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो इसी पृष्ठ पर आधारित सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क परियोजना की कुल लागत है। अब मन में सबसे पहले तो यही सवाल उठना चाहिए, यही प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क का मतलब क्या है, या ये किस योजना के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य क्या है, और छत्तीसगढ़ को क्या लाभ होगा इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की वजह से। अब कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे। जब आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क के बारे में आप थोड़ी सी खोजबीन करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, और थोड़े से रिसर्च में ही आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कारण से इस पर आधारित जो भी फैक्ट दिए जाते हैं वो महत्वपूर्ण है और उसे पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण फैक्ट होने की वजह से ये पूरी संभावना बन जाती है कि एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नहीं पूछा जाएगा तो बात अलग है, लेकिन संभावना पर हम चलते हैं, क्योंकि पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इसका क्लियर कट जानकारी किसी के पास नहीं होता। लेकिन पैटर्न पर आधारित या पैटर्न को पहचानने के बाद, उसका एनालिसिस के बाद, उसके विश्लेषण के बाद, संभावनाओं पर आधारित ही हम पढ़ाई करते हैं। तो इसी कारण से, इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसी मुख्य बिंदु वाले पृष्ठ पर देखने को मिलेगा। ये सेकंड पॉइंट पर आपको इससे संबंधित जानकारी दिख रही होगी, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में 48.56 हेक्टेयर भूमि पर, 5-6 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, और इस परियोजना की कुल लागत है 103.88 करोड़। कुल लागत कितनी है? 103.88 करोड़ रुपए। तो इस आधार पर ये जो हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन में सबसे सही उत्तर या सही ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का, वह होगा ऑप्शन ए, 103.88 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को देखते समय ही आप छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण को अपने पास रखें। जो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं या जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसे भी आप साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण के जो भी आप रखे होंगे हार्ड कॉपी या पीडीएफ, वहां पर इसे मार्क करते चलें। रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा आपका यह कदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इमेज पर चलते हैं। और अगला इमेज आधारित है विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी पर, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण इस इमेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला जो रो देखने को मिलेगा ये योगदान या फिर मौद्रिक मूल्य दर्शाएगा विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में। दूसरा जो रो आपको दिख रहा है ये दर्शाएगा वृद्धि प्रतिशत, और तीसरा रो दर्शाएगा योगदान का प्रतिशत। इस तरीके का इमेज लगभग आप आर्थिक सर्वेक्षण के हर एक चैप्टर पर देख पा रहे होंगे, और तीन पैटर्न पर आधारित इस इमेज पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहला पैटर्न हम देखते हैं, विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में वृद्धि प्रतिशत है। पहला पैटर्न किस रूप में दिख रहा है? वृद्धि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न के रूप में दिख रहा है। अब वृद्धि पर आधारित रो हमें यहां पर दिख रहा है, 2019-20 की जानकारी दी गई है। जाहिर सी बात है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होगा, क्योंकि यह सबसे नवीनतम आंकड़े हैं। और इस प्रश्न का उत्तर होगा 5.04%, जो कि दिखता है ऑप्शन ए में, और इसी प्रकार से सही उत्तर भी ऑप्शन ए ही बन जाता है इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर आधारित अगले पैटर्न पर बात करते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का वर्ष 2019-20 में
योगदान प्रतिशत है, योगदान की बात की जा रही है। दूसरा पैटर्न है इस तरीके के विवरण पर आधारित। योगदान की बात अगर की जाए तो थर्ड रो पर योगदान दिखता है और 2019-20 में ये योगदान हमें दिखता है 15.34%। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो अग्रिम अनुमान निकाला गया उसमें विनिर्माण की जो भागीदारी है वो है 15.34%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पैटर्न पर नजर डालते हैं। अगला पैटर्न है विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति रही है, प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। भागीदारी की बात की जा रही है, वृद्धि प्रतिशत की नहीं, तो इस प्रकार से आपको इस थर्ड कॉलम पर नजर डालना होगा। अब जरा हम इसके प्रवृत्तियों पर नजर डालते हैं। देखिए 2013-14 में 20.80% था, उसके बाद हमें ये गिरता हुआ नजर आता है अगले वित्तीय वर्ष में अर्थात 2014-15 में, और उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ये जो योगदान है, ये जो भागीदारी है, उसका प्रतिशत गिरता हुआ दिखता है। ठीक ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये भागीदारी और गिरी, 2017-18 में और गिरा, 2018-19 में भी गिरा और फिर 2019-20 में भी गिरता है। अर्थात 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष 2019-20 तक हम विनिर्माण क्षेत्र के भागीदारी या योगदान के योगदान के प्रवृत्तियों पर नजर डालें तो हमें निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखती है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निरंतर घटने की, या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तीन तरीके के तीन पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके की इमेज पर या इस तरीके के विवरण पर। आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर हम देखते हैं अगली जानकारी जो कि है औद्योगिक पुरस्कार योजना से। आर्थिक सर्वेक्षण के उद्योग चैप्टर पर जब आप जाएंगे तो आपको एक टेबल दिखेगा, 2-3 पेज में ये टेबल विभाजित है और इस टेबल का जो शीर्षक होगा वो कुछ इस तरीके का साउंड करेगा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या योजना लाई गई है, और उसी टेबल पर आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि औद्योगिक पुरस्कार योजना एक कदम है, एक तरीका है जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो चलिए इस जानकारी पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक पुरस्कार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है आपको, क्लियर? देखिए इस पुरस्कार योजना में क्या क्या पुरस्कार दिया जाएगा, किसको किसको कितना दिया जाएगा, उसकी जानकारी दी गई है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1.51 लाख, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास, द्वितीय को 1 लाख और तृतीय पुरस्कार 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तीनों ही कथनों में ये जानकारी को हम देखते हैं। ये फॉन्ट मिस्टेक है, इसे आप इग्नोर करेंगे। पीपीटी पर ये सारी चीज़ें जब लिखी जाती है, अलग अलग सिस्टम पर जब पीपीटी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो कुछ इस प्रकार की त्रुटि आ जाती है, लेकिन ये त्रुटि इतनी बड़ी भी नहीं होती कि इसे आप समझ ना पाएं। तो चलिए सीधे हम कथनों पर चले आते हैं कि प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1.51 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, तो ये कथन तो सही हो गया इस दिए गए जानकारी के आधार पर। दूसरा जो कथन है वो कहता है कि द्वितीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, और यह कथन भी सही हो जाता है इस जानकारी के आधार पर। तीसरे कथन पर हम चलते हैं कि तृतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 50,000 एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि तृतीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 50 नहीं अपितु 51,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बाकी मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस जानकारी को याद रखें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। क्लियर है? क्वेश्चन जब यहां पर बनाया जाता है तो फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य यह है कि पैटर्न को आप पहचानिए सीजीपीएससी के, और साथ ही साथ इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या महत्वपूर्ण जानकारी को भी आप पहचाने, इसे बार बार पढ़ें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लेना, हर एक फैक्ट को याद रख लेना, यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पैटर्न को पहचानने के बाद, महत्वपूर्ण जानकारी को पहचानने के बाद उसे याद करना चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करते रहना चाहिए निरंतर तौर पर।
तो तृतीय स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो सही उत्तर दिखता है ऑप्शन सी पर, जो कि कहता है कि एक और दो कथन सही है या सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बात करते हैं। इस पर आधारित प्रश्न पर हम जाएंगे। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण अपने साथ रखे होंगे तो इस पृष्ठ पर आ सकते हैं, अगर इमेज थोड़ा सा ब्राइट हो रहा होगा तो, लाइट की वजह से। चलिए फिर भी मैं पढ़कर आप लोगों के लिए इसे बता देता हूं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है क्या। युवा वर्ग को अर्थात आपको और मुझे आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। आसान भाषा में जो युवा होते हैं, जब भी वो कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर, तो उन्हें बैंकों से ऋण लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, चुनौतियां होती हैं, क्योंकि बैंकों के अपने अलग नियम कायदे कानून हैं और उसके सारे नियम कायदे कानून या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। अब इस वजह से होगा क्या कि वो उन्हें पैसे मिलेंगे नहीं, ऋण मिलेगा नहीं, और जो उनकी क्षमता है वो क्षमता लगाकर उत्पादन करेंगे नहीं, इससे वो खुद भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे और ना ही देश आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, दीर्घकालीन निराकरण के लिए ये योजना लाई गई। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। जो ऋण प्रदायगी की जाएगी इन्हें, इसमें राज्य शासन की गारंटी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोविड का टाइम आया था, है भी अभी गया नहीं है, जब तक वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए तब तक ये कोविड का टाइम ही है, इसलिए आप हमेशा सावधानी बरतेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे और मास्क जरूरी समझेंगे। तो जब ये कोरोना काल था, लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, उत्पादन रुका हुआ था, बाजार बंद थे, मांग नहीं था, सप्लाई नहीं था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, तो इस समस्या से निकलने के लिए या पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी में दौड़ाने के लिए इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। और इस समय भी ये, इस योजना में भी या इस पैकेज में भी एक प्रावधान ये रखा गया था, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग होंगे उन्हें ऋण प्रदायगी की जाएगी और गारंटी सरकार लेगी, ताकि इन्हें ऋण मिलने में आसानी हो, और जब इन्हें ऋण मिल जाएगा उस ऋण में ली गई राशि का ये निवेश करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो एक तरफ तो सप्लाई चेन को भी आगे बढ़ा पाएंगे और लोगों को रोजगार भी मुहैया करा पाएंगे, जिससे उनकी आय होगी, और जब उनकी आय होगी तब बाजार में जाकर वह मांग बनाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के जो साइकिल हैं वो फिर से सद चक्र की ओर चले जाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वर्चुअल साइकिल ऑफ इकोनॉमी हमारा फिर से रन करने लगेगा और डूबी हुई या पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था फिर से उभर आएगी या पटरी पर दौड़ने लगेगी। तो सामान्य तौर से जब ऐसा किया जाता है, जब ऐसा समझा जाता है कि ऐसा वर्ग या ऐसे उद्योग क्षेत्र या ऐसे लोग जिनके पास क्षमता है, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हुए, उन्हें ऋण मिलने में मुश्किल हो रही है, तो सरकार कुछ न कुछ ऐसी योजना लेकर आती है जिससे इन्हें ऋण मुहैया हो जाए और वो इसका निवेश करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। तो ये भी कुछ इसी प्रकार की योजना थी। अब इसमें ऋण की सीमा भी दी गई है कि विनिर्माण उद्यम के लिए परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख, सेवा उद्योग के लिए परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख और व्यवसाय के लिए परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख। तो चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न भी हम देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए, विनिर्माण उद्योग का कितना है, 25 लाख, तो 25 लाख हमें कहां पर दिख रहा है, इस थर्ड पॉइंट पर दिख रहा है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3, तो हमारे सामने ऑप्शन सी ही सही उत्तर दिख जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सुमेलित करे वाले प्रश्न आप देखें, मैच द फॉलोइंग बेस्ड पैटर्न पर अगर आप क्वेश्चन देखें, तब आप एक दो चीज़ों को ही मिलाकर सही उत्तर की तरफ जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे मिलाते चले ऑप्शन के साथ में, ज़रूरी नहीं कि सभी आपको याद हो तभी इसको सॉल्व करें। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे, थोड़ी सी टेक्टिक्स भी आप यूज़ करेंगे एग्जाम सेंटर पर जब आप बैठे रहेंगे। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम अब दूर नहीं, बहुत ही पास है, ठीक है, और इस समय आप लोग तैयारी में एकदम भिड़े होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी तेज गति से चल रही होगी। जब भी हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं,
तो दो तरीके की तैयारी की जाती है, एक स्ट्रेटेजिक वे में और एक टेक्टिकल वे में। अब इन दोनों का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक वे कहने का मतलब यह है कि एग्जाम डे या एग्जाम में बैठने से पूर्व तक जो भी आपकी तैयारी होगी वह रणनीतिक तैयारी होगी या फिर स्ट्रेटेजिक तैयारी होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन की प्रिपरेशन करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि इस महीने में इतना सिलेबस का पार्ट पढ़ूंगा या इस वीक में मैं इतना पार्ट कवर करूंगा या दोपहर को मैं ये पढ़ूंगा, सुबह ये पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा, तो ये रणनीति होती है आपकी कि आपके पास एक लंबा समय होता है, कम से कम 1.5-2-3-4 महीना जितना भी एक लंबा समय होता है, और उस लंबे समय पर आप क्या करते हैं, अपने बहुत बड़े सिलेबस को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर तैयारी करते हैं। एक तरीका होता है टैक्टिकल। टैक्टिकल कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठ जाते हैं, जो आपने रणनीति बनाई थी उस सारी रणनीति का आपने पालन किया, अपनी तैयारी को बढ़िया आप लेकर आ गए हैं, अच्छी स्थिति पे आप तैयार हैं, तब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपका टैक्टिक्स बढ़िया होना चाहिए। टैक्टिक्स का मतलब वो 2 घंटे जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठकर बिताने वाले हैं एग्ज़ाम पेपर के साथ, उसमें भी आपकी रणनीति या फिर आपका टैक्टिक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि आप उस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप किन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, किन क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको कब सॉल्व करेंगे, 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो उसका क्या करना है, 3 ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो उसका क्या करना है, ये सारी रणनीति भी आपकी बननी चाहिए और इसी को टैक्टिक्स कहा जाता है। तो ये इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहला आपने पार्ट देखा और सीधा आपने सिर्फ उसी का उत्तर देखा कि भाई विनिर्माण उद्योग मुझे पता है और वो तीसरे नंबर पर दिखता है, तो 1 और 3 मुझे ऑप्शन सी पर दिख रहा है, ये है टैक्टिक्स कि आपने एग्जाम सेंटर में बैठकर ऐसा कॉमन सेंस लगाकर, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एग्जाम सेंटर के जो 2 घंटे होंगे, जो 2 घंटे में आप जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, उस समय भी आपको चैतन्य रहना है, उस समय भी आपको कई सारे टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर नजर डालते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, कहां कहां पर? ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र पर। परियोजना लागत का क्या क्या यहां पर सीमाएं दी गई हैं? तो विनिर्माण का अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा एवं व्यवसाय में अधिकतम 10 लाख रुपए, और लाभार्थियों का अंशदान क्या होगा? देखिए, अंशदान पर आधारित भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई कि केंद्र सरकार का कितना अंशदान है, राज्य सरकार का कितना अंशदान है, और जो लाभार्थी होंगे उनका अंशदान क्या है। कई सारी योजनाओं पर इस तरीके के पैटर्न पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो इस तरह से जब आप ये अंशदान वाला फैक्ट देखें, जानकारी देखें, तो उसे भी आप पहचाने कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। तो लाभार्थियों के अंशदान अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग का 10%, और जाहिर सी बात है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो अंशदान होगा वो कम होगा, जो कि है 5%। अनुदान की जो दर होगी, जो रेट्स होंगे ग्रांट्स के, वो क्या हैं, तो उस पर देखते हैं। सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए अगर शहरी क्षेत्र पर निवास करते हैं तो 15% और ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 25%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में 25% है और ग्रामीण क्षेत्र में 35% है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पात्रता की जो यहां पर शर्त दी गई है वह है 18 वर्ष से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर नजर डालते हैं, इस पर तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करेंगे, आप मुद्रा योजना के बारे में कम से कम 30 शब्दों में लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए। मुद्रा योजना में 3 वर्ग विभाजित किए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, और इन सब में जो फाइनेंसिंग की जा रही है वो है शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक, और तरुण में 5 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी हम क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, शिशु का 50,000 तक, ठीक है, किशोर का 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण का 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टैंड अप इंडिया योजना पात्रता क्या क्या, स्टैंड अप इंडिया योजना के पात्रता पर जब आप नजर डालेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी भी हैं, ये थोड़ा सा विशेष है इसमें, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लक्ष्य क्या है, प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी। ऋण सीमा क्या होगी, तो 10 लाख से अधिक 1 करोड़ तक। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है राज्य को, या जिस भी जहां पर भी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसका मतलब क्या होता है, क्यों ये जोन बनाया जाता है, उससे क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। मैं यहां पर अगर बताने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और प्रीलिम्स बहुत ही पास में है तो डिस्क्रिप्टिव वे पर थोड़ा मैं कम जा रहा हूँ, प्री ओरिएंटेड मैं ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे होंगे मेरी शैली को देखकर। ठीक है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो मैं आपको करने बोल रहा हूँ ये आप नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, ये मोटिवेशन का काम करेगा मेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र कहाँ पर, तो राजनांदगांव पर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और राजनांदगांव पर इसकी जब बात हो रही है तो राजनांदगांव के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, इस पर आधारित तो प्रश्न है, हम प्रश्न लेकर आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की काल अवधि या समय अवधि क्या है, तो इस समय अवधि आपको दिख रही होगी कि इसकी कार्य अवधि 5 वर्ष होगी, यह अवधि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। तो सही उत्तर हमें कहां पर दिखता है, ऑप्शन ए पर, 2018 से लेकर 2023 तक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक अगर आपके अच्छे हैं, आपके राज्य के अगर अच्छे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग आकर्षित होते हैं, निवेशक आकर्षित होते हैं और उनकी इच्छा जागृत होती है कि आपके राज्य में आकर वो निवेश करें, बिजनेस करें। इससे होगा क्या कि आपके राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, आपका राज्य आगे बढ़ेगा, आपके राज्य के निवासी भी आगे बढ़ेंगे और इस कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी रैंक होता है वो रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रैंक तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर ये अच्छा रैंक हो तो, क्योंकि ये आपके अच्छे परफॉर्मेंस को शो करता है, ये आपके अच्छे एफर्ट को शो करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान वर्ष 2015-16 में चतुर्थ स्थान पर रहा एवं 2017 में देश के टॉप अचीवर्स राज्यों में रहा। क्वेश्चन देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। 2015-16 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा, चौथा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट पर आधारित ही सिर्फ यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ अगर अपडेशन है तो वो करंट अफेयर का हिस्सा बनेगा और हम तो कंप्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप उससे भी लेटेस्ट या करंट फैक्ट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जाता है, एंड ये गलत है, इससे द्वारा जारी तो नहीं किया जाता, तो किसके द्वारा किया जाता है, फिर से कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, जो कि दिखता है ऑप्शन ए पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औद्योगिक केंद्र या इंडस्ट्रियल सेंटर पर आधारित प्रश्न देखते हैं। सामान्य तौर पर इंडस्ट्रियल सेंटर पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा इंडस्ट्रियल सेंटर किस राज्य पर है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में वृहद औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे वृहद औद्योगिक क्षेत्र, जहां पर जो क्षेत्र है, जो एरिया है, 200 हेक्टेयर से अधिक होगा। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में 100 से लेकर 200 हेक्टेयर तक का क्षेत्र होगा, एरिया होगा, और लघु औद्योगिक क्षेत्र में 50 से 100 हेक्टेयर तक का क्षेत्र होगा। इससे और छोटा आता है सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, उसमें 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये आप वृहद पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, तो वृहद कहाँ कहाँ पर है, तो उरला रायपुर, सिलतरा रायपुर और सिरगिट्टी बिलासपुर, भनपुरी पर नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन डी, भनपुरी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर नजर डालते हैं कि निम्नलिखित लघु औद्योगिक क्षेत्र का उनके संबंधित जिलों से सुमेलित करें। सॉरी, मैंने एक थोड़ी देर पहले कह दिया था कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में, नहीं जिले पर है, कौन सा क्षेत्र किस जिले में। मरहूम कला, देखिए सुमेलित करना है मरहूम कला, कौन सी बात की जा रही है, लघु औद्योगिक क्षेत्र, एरिया क्या है 50 से 100 हेक्टेयर तक, तो मरहूम कला हमें देखने को मिलेगा जिला राजनांदगांव में, ठीक है, जिला राजनांदगांव में। तिफरा हमें देखने को मिलेगा बिलासपुर में, ठीक है, लखनपुरी कांकेर में और बिरकोनी भी महासमुंद में, ठीक है, बिरकोनी महासमुंद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 अर्थात ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पैटर्न पर बात करते हैं। तो दो पैटर्न आपने देख लिया, ये तीसरा पैटर्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत उरला आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज पर नजर डालते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, IIDC केंद्र अंतर्गत प्रस्तावित IIDC को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित करें। यह है प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र का नाम और इधर है इस कॉलम में जिला, ठीक है, धुरगांव बस्तर जिला, अबनपुर रायपुर और सुकमा में, तो सुकमा ही, जामगांव धमतरी, ठीक है, धुरगांव बस्तर अभनपुर रायपुर और जामगांव धमतरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्थापनाधीन प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र पर बात करते हैं। विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि किसी विशेष प्रकार के यूनिट्स पर आधारित ये पार्क होंगे, ये क्षेत्र होंगे, जैसे कि फूड पार्क, मेटल पार्क, स्टील पार्क, ये सारे चीज अलग अलग सेक्टर पर आधारित पार्क हैं जहां पर इन पर आधारित ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। तो नवीन फूड पार्क की स्थापना, प्रदेश में 200 फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें से 146 विकास खंडों में से 34 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है, ठीक है, भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। जिला सुकमा, तो जिला सुकमा में 14.30 एकड़ भूमि पर फूड पार्क प्रस्तावित किया गया है, इस हेतु भूमि का चिन्हांकन कर क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। और जिला जगदलपुर में, तो जिला जगदलपुर के ग्राम धुरा गांव लोहंडी गुणा में 18.90 एकड़ भूमि पर फूड पार्क की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। तो यहां पर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। इस इमेज पर देखते हैं बागोद धमतरी, प्रश्न पूछा गया है इसके बारे पर, फूड पार्क पर, फूड पार्क पर, यहाँ बागोद धमतरी पर है ये ग्राम। बागोद जिला धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम बागोद जिला धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है, अनुमानित परियोजना लागत है 45 करोड़, ऑप्शन पर दिया गया है जो कि इस इमेज में दिखता है बिल्कुल सही। तो सही उत्तर क्या होगा, सत्य कथन तो दोनों ही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर नजर डालते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर पर हम जाएंगे। इस योजना अंतर्गत परियोजना, देखिए सत्य कथन हमें चयन करना है, इस योजना अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु 1 लाख रुपए और विनिर्माण हेतु 3 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस योजनागत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख और फिर विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख और अनुदान की राशि कितनी दिखती है 35%। तो ये पहला कथन सही हो गया जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान विनियोजन 5% है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10%। तो इस प्रकार से इस चैप्टर पर जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो CGPSC प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उस पर हमने बात कर ली और उस पर आधारित प्रश्न भी हमने देख लिया, पैटर्न भी हमने समझ लिया। बाकी के चैप्टर्स पर आधारित वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, संयम बनाकर रखिएगा, इंतज़ार करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।